एक और सरदार सरोवर डैम पर प्रधानमंत्री ने जन्मदिन मनाया, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्मदा घाटी के 192 गांव और एक नगर को बिना पुनर्वास डुबाए जाने के खिलाफ नर्मदा घाटी के लोगों ने धिक्कार दिवस मनाते हुए रैली निकालकर कसरावत पुल से प्रधानमंत्री मोदी का पुतला पुल से नर्मदा नदी में फेंका। जीविका की हत्या करने को तैयार होते हुए और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करने के लिए मंजूरी दे देते हैं और पूरा समय पत्रक बदल कर पहले ही बांध में पानी भर देते हैं। हम इसका धिक्कार करते हैं और इसीलिए आज जन्मदिन और सही हम धिक्कार दिवस मनाना नहीं संकल्प रद्द करना चाहते हैं। ये धिक्कार दिवस इसीलिए है क्योंकि वो जन्मदिन पर जश्न मना रहे हैं जबकि गुजरात के आदिवासियों की जमीन भी लूटी जा रही है पर्यटन के नाम पर, और यहाँ जो एक एक मंदिर डूब में आ रहा है उसकी भी उनको परवाह नहीं है जबकि गुजरात के तीर्थ भी भंगार पड़े हुए हैं पिछले कई सालों से। हमारा अधिकार इसके लिए भी है कि यहाँ सभी कानून, ट्रिब्यूनल का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, राज्य की नीति सबका उल्लंघन है और ये कानून विरोधी नहीं संविधान विरोधी पूरी प्रक्रिया चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई है तो आज ये जश्न मना कर कह रहे हैं कि हमारी जीत हो चुकी है।